पिछले कुछ दिनों से इंदौर में खूब कड़ाके की ठंड गिरी है। जनरली इतनी ठंड होती नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन लगता है जैसे पिछली बार की उत्तराखंड वाली ट्रिप्स है ना, थोड़ी सी ठंड तबे पाओ चुपके से मेरे साथ आ गई हो मेरे शहर। ऐसे मौसम में अगर एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन जाना हो तो इंदौर के आसपास ऐसी कई जगह मौजूद है, लेकिन आज हम जा रहे हैं राला मंडल। क्या करे यार, माउंटेन लवर जो ठहरे ना, तो सोचा चलो आज अपने दिनेश भाई की ऑटो में बैठ के यही कहीं आसपास की पहाड़ियों से थोड़ा सा सुकून तलाश लिया जाए। सो गाइस, फाइनली आ गए हम राला मंडल। आज है 29 जनवरी और हमारे साथ हमारे वापस से पुराने दोस्त आए हैं दिनेश भाई। शीतला माता वाटरफॉल की वीडियो में आपने इनको देखा होगा, राइट। अभी हम जा रहे हैं एक लोकल जंगल सफारी करने, उसका 50 रुपीज़ टिकट लगता है। अभी वहाँ हम जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाना पड़ता है जो एक्चुअल राला मंडल शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, बट एक छोटी सी टेकरी है वहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। तो आप यही से राइड वगैरह करवाते हैं? हाँ, हमारे आउटसोर्स की गाड़ी है। अच्छा अच्छा, दोनों गाड़ी हमारी है। वो मैं तो वाली गाड़ी चलाता हूँ, ये गाड़ी सुबह में जहाँ चलाता है, आज मैं लेट आया था। अच्छा, उनका चाबी नहीं छोड़ जाते, जो जल्दी आ जाता है हाँ वो चला वो चला लेता है। सही है। हाँ सर, यहाँ पे तेंदुआ भी दिख जाता है। हाँ, तेंदुआ दिख जाता है ना। हाँ दिखता है। तो उसके लिए अलग सफारी होगी ना, उसके लिए नाइट सफारी चालू है ना। नाइट सफारी है। हाँ, उसका क्या एंट्री फीस बढ़ जाती है सर उसकी। अच्छा, अभी 20 रुपये लिए आपकी एंट्री। हाँ हाँ, तो अब रात में नाइट में 200 रुपये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आगे एक हिरन का झुंड दिखा तो है हमें, आई होप के कैमरा देख के भाग ना जाए। नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। हाँ, ये कहानी है मेरे एक और सफर की। सफर से इतना लगाव क्यों है मुझे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, सफर करने में जो मजा एंड सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है ना, वही मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहता हूं। सो गाइस, डियर पार्क जाने के बाद अब हमारी आगे सफारी हो रही है मेन, जो यहाँ का ऊपर राला मंडल है। जनरली लोग यहाँ से ट्रैक करके जाते हैं, बट हमने ये जिप्सी हायर कर लिया, रीज़न यू नो वेरी वेल। अगर आपने नहीं, आपको रीज़न नहीं पता तो आप मेरा वो एक जयंती माता वाटरफॉल वाला वीडियो देख लेना, आपको रीज़न पता चल जाएगा कि मैंने जिप्सी हायर क्यों की है।
गाइज हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगे हमें ऊपर आने में, और यही अगर हम शायद पैदल आते तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल, बिकॉज चढ़ने में काफ़ी मेहनत हो जाती है, आराम से थोड़ा बैठते बैठते चलते आने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन चलो बढ़िया है, ये हमारा डिसीजन अच्छा रहा जिप्सी लेने का। और अभी हम फाइनली आ गए जो राला मंडल का ऊपर एक छोटा सा म्यूजियम जैसा बना हुआ है। पहाड़ चाहे कहीं के भी हो, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर अपने इंदौर के, ये आपको एक चीज हमेशा याद दिलाते हैं कि आप इस दुनिया में कितने छोटे हो। ये हमेशा आपको मोटिवेट कर देते हैं कि लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी है बॉस, कुछ ऐसा जिससे कि लोग तुम्हें पहचानने लगे। इन सालों में बहुत कुछ देख लिया है, नदियां, पहाड़, समुद्र किनारे, स्नोफॉल, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ तो है जो मिला नहीं, जिसे ढूंढते हुए मैं न जाने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर जाता हूँ। कुछ तो है जिसे ढूंढते हुए आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ, जहां से मेरा शहर खूबसूरत लगने लगा है। सर आप पहली बार आए क्या इधर? बिल्कुल दर्पण भैया। हाँ मजा आ गया आपके साथ घूमने में, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे आके। इंदौर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है ना सर, आपके साथ ही घूमने में मजा आता है। अरे धन्यवाद सर। क्या है जिंदगी में टाइम नहीं मिलता, बाकी आपके साथ कुछ समय निकालने में हमें बहुत मजा आया। राला मंडल बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल कहाँ आ गए, इंदौर का सबसे बेस्ट जगह है, ऊँची पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सुंदरता है, हरियाली है, शानदार है, बढ़िया म्यूजियम है, पुराना राजा महाराजों का समय का। हाँ